नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। बॉलीवुड की सुपरस्टार धर्मेंद्र और अभिनेत्री हेमा मालिनी के प्यार भरे किस्से जग जाहिर है। बता दें कि धर्मेंद्र और हेमा ने 1989 में शादी की थी। दोनों की शादी का जश्न काफी हद तक प्राइवेट था। आपको जानकर हैरानी होगी कि धर्मेंद्र ने हेमा से शादी धर्म और नाम बदल कर की थी। साल 1974 के दौरान हेमा मालिनी से बॉलीवुड के तीन दिग्गज एक्टर संजीव कुमार, जितेंद्र और धर्मेंद्र प्यार करते थे, लेकिन हेमा धर्मेंद्र को पसंद करती थी। धर्मेंद्र के शादीशुदा होने के बाद भी हेमा के घर वाले नहीं चाहते थे कि हेमा धर्मेंद्र से शादी करे। दरअसल वर्ष 1954 में उनकी शादी गांव की सीधी साधी प्रकाश कौर से तब हो गई थी जब वो 19 साल के थे। इसके बाद किस्मत उन्हें बॉलीवुड ले गई। 60 के दशक में रुपहल पर्दे के सबसे खूबसूरत और गबरू जवान थे और जिस पर देश की लड़कियां दिलो जान से अपनी जान न्यौछावर करती थी। शादी के बाद धर्मेंद्र को 4 बच्चे हुए, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद 70 के दशक में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पास आ गए और धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक देकर हेमा से शादी करने को तैयार हो गए। कहा जाता है कि धर्मेंद्र की पत्नी ने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया था, इसीलिए धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल कर लिया ताकि वो हेमा से शादी कर सके। अंत में साल 1980 में धर्मेंद्र और हेमा ने शादी कर ली। बता दें कि धर्मेंद्र ने 1954 में प्रकाश कौर से शादी की थी। उस समय वो फिल्मों में काम भी नहीं करते थे। उन्होंने 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में एंट्री ली थी। कब हुआ हेमा और धर्मेंद्र का प्यार, ये आपको बता दें, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने करीब 25 फिल्मों में साथ काम किया था। हेमा उस जमाने में ड्रीम गर्ल कही जाती थी। इतनी खूबसूरत लड़की के धर्मेंद्र दीवाने हो गए थे। दोनों को साल 1970 में फिल्म तुम हसीन मैं जवां के सेट पर एक दूसरे से प्यार हो गया था। दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।